नमस्कार, वास्तु लिविंग में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं विकास नांगिया। दर्शकों, वास्तु लिविंग में आज हम बहुत ही दिलचस्प एक ऐसे सांझे विषय पर बातचीत करेंगे जिसमें हम सबका गहरा रुझान है। खास इसलिए भी, देखिए, क्योंकि पैसा जिंदगी में सब कुछ नहीं, लेकिन पैसे की कमी, उसका अभाव बहुत कुछ है। पैसे की कमी की वजह से इंसान तिलमिला उठता है। आज उसी को मद्देनजर रखते हुए पल्लवी जी से हम बातचीत करेंगे वास्तु एंड वेल्थ फॉर 2022 विषय पर। क्या कहेंगे आज के विषय के बारे में, वास्तु एंड वेल्थ फॉर 2022 के बारे में? यहाँ पे आज हमारा सब्जेक्ट की वेल्थ एंड 2022, तो इसका मतलब होता है कि ये साल आपके लिए और ज्यादा प्रॉस्परस कैसे हो सकता है और ज्यादा लाभदायी कैसे हो सकता है। आप अपने घर के और बिजनेस के वास्तु दोष से 2022 के अंदर वास्तु दोष को समझ के, उसका इलाज करके, रेक्टिफाई करके अपनी वेल्थ को कैसे बचा सकते हो। वेल्थ के बारे में बहुत सारी बातें हैं, लेकिन अभी हम बात करेंगे वेल्थ एंड 2022। इसका मतलब ये हुआ कि इस पूरे शो में आपको लगातार काफी सारी वास्तु की टिप्स मिलने वाली है जो 2022 में आपकी वेल्थ को सिक्योर करने में, सेव करने में आपकी हेल्प कर सकती है। थोड़ा गाइड करते चलिए कि क्या कुछ ऐसा किया जाए जिससे वेल्थ जो है बेहतर और लाभदायक बनी रहे हमारे दर्शकों के लिए। विकास जी, जैसे हम वेल्थ एंड 2022 बोलते हैं तो लोगों को लगता है कि वास्तु इस तरह से हर साल के हिसाब से लाभ दे सकता है, लेकिन आप अपने CPA के साथ अपने बिजनेस के टैक्स रिटर्न पे, पर्सनल टैक्स रिटर्न पे हर साल बात करते हो तो वो चीज आपको स्वाभाविक लगती है कि आप अपने बिजनेस में प्रॉस्पेरस हो, फूल फल, मतलब अच्छा करे हो सब कुछ, लेकिन फिर भी उसमें नंबर्स होते हैं वो बदलते रहते हैं जी। वो नंबर्स, वही एक्सपीरियंस, वही दशा, वही जगह, वही बिजनेस, वही गैस स्टेशन, वही होटल मोटेल, लेकिन टैक्स रिटर्न में बदलाव आता है। कई बार सेम एम्प्लॉई, सेम आपका मैनेजर, सब कुछ होने के बावजूद उसमें ऐसी क्या बात है? अनुभव तो आपका सफिशिएंट है, एम्प्लॉई आपके वही के वही है 5 साल 10 साल, लेकिन नंबर सेम नहीं रहते हैं। कभी बढ़ जाते हैं, अच्छा लगता है, 6-8 डिजिट में नंबर बढ़ जाए, कभी घट जाते हैं, बड़ा दुख होता है। तो यहाँ पे काम करता है वास्तु शास्त्र का ईयरली कैलकुलेशन। ईयरली कैलकुलेशन का मतलब होता है कि एक ही दिशा में, एक ही बिजनेस पे, एक ही लोकेशन पे हर साल के अनुसार अच्छे ये बुरे प्रभाव आप एवरी ईयर भुगतते हो। सो हमें लगता है, मैं आपको बताना चाहूंगी साथ में गैर मान्यता वास्तु के बारे में। हर एक के दिमाग में बैठा हुआ है कि नॉर्थ ईस्ट में लाकर वाटरफॉल रख दो, फायदा होगा। लेकिन कई बार बदलते हुए साल में, मैं पीछे अगर जाऊं तो 2000 के बारे में बात करूं तो नॉर्थ ईस्ट में पानी नहीं रखना चाहिए था, उस वक्त जितना था, जितने वाटरफॉल लगे थे सबको नुकसान हो गया। 2022 में वेल्थ के लिए जो आप टिप्स अप्लाई करोगे वो सिर्फ ये साल के बारे में है। काफी अच्छी तरीके से वेल्थ वाले शो को समझाने की कोशिश करने वाली हूँ मैं, जिसमें 3 कैटेगरी में मैं उसको डिवाइड करूंगी। एक तो एक्सट्रीमली वेल एस्टेब्लिश लोग जिनका प्रॉफिट में सिर्फ नंबर घूमना रहता है लेकिन उनके ऊपर अप्स एंड डाउन से उनको फर्क नहीं पड़ता। एक ऐसे लोग जिसने इसी साल नई शुरुआत की है, और तीसरे ऐसे लोग जो बिजनेस तो कर रहे हैं लेकिन बिजनेस में स्ट्रगल कर रहे हैं, उनके बचाव के लिए हम 3 पार्ट में टिप्स देंगे और तीनों को अपनी रचना के अनुसार 2022 में अपनी वेल्थ एनर्जी को इनहांस करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए छोटी छोटी वास्तु के टिप्स किस तरह से लाभदायी हो सकती है वो हम ये पूरे प्रोग्राम को 3 पार्ट में डिवाइड करके समझेंगे। पल्लवी जी, बहुत अच्छा ब्रेकडाउन। एक वो जो बिजनेस सालों से करते आ रहे हैं, एक वो जो बिजनेस को अभी शुरुआत करने वाले हैं, और तीसरे वो जो बिजनेस में स्ट्रगल कर रहे हैं। बहुत अच्छा ब्रेकडाउन। चलिए पहले उनकी बात करते हैं जो बिजनेस सालों से करते आ रहे हैं लेकिन 2022 को वो अपने लिए और बेटर कैसे बना सकते हैं, उसको समझ लेते हैं। कई बार हम कुछ लोगों को देख के बोलते हैं कि भैया ये तो बड़ा वेल सेट है, इनका बिजनेस तो काफी एस्टेब्लिश है। तो जिसको आप वेल सेट समझते हो, जिसके नंबर के ऊपर नीचे उतार चढ़ाव से जिनके बिजनेस में उनको साल के अनुसार ज्यादा फर्क नहीं पड़ता ईयरली कैलकुलेशन के हिसाब से, ऐसे लोगों को
अपनी 2022 के हिसाब से अपनी वेल्थ एनर्जी को बनाए रखने के लिए, कोई भी तरह के फायदे या नुकसान से, नंबर अगर ज्यादा बदलना नहीं चाहते हो तो पहले बात नुकसान को बचाने की करते हैं, फिर इंक्रीज करने की, इंप्रूवमेंट के लिए करते हैं वेल्थ के बारे में। तो ऐसे लोगों को दो बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहली बात, अगर इस तरह के बिजनेस वेस्ट फेसिंग और साउथ फेसिंग बने हुए हो तो उनको ये टिप्स नहीं अप्लाई करनी है। पश्चिम और दक्षिण दिशा के प्रॉपर्टी के अलावा बिजनेस खुद का हो, लीज हो, ओवरसीज हो, बहुत सारे मल्टीपल लोकेशन हो, तो ये बात आएगी कि कैसे डिसाइड होगा कि विच वन इज वेस्ट एंड साउथ। तो जो मेन आपकी हेड ऑफिस होती है, जहां से पूरा एम्पायर रन होता है, वो अगर वेस्ट या साउथ फेसिंग नहीं हो, ऐसे तमाम लोग ये वास्तु के टिप्स को अप्लाई कर सकते हैं, चाहे घर आपका किसी भी दिशा में बना हो। मैं बात बिजनेस के बारे में, ऐसे लोगों को 2022 के अनुसार अपनी कमर्शियल प्रीमाइसिस के अंदर, बिजनेस जहां से भी रन होता है उसकी हेड ऑफिस, मेन हेडक्वार्टर के ऊपर, मेन ऑफिस के अंदर जाके उनको अपनी प्रॉपर्टी के नॉर्थ दिशा में और नॉर्थ ईस्ट दिशा में और नॉर्थ वेस्ट दिशा में किसी भी तरह से जो उनको आसान लगे, वैसे उनको वहां पे कोई भी जेमस्टोन का रख रखाव हो, कोई भी तरह के वहां पे वाटर एलिमेंट का रख रखाव हो, तो उनको रिमूव करना है। क्योंकि पहले मैं नुकसान की बात करी हूँ, अब हो सकता है कि ऐसा कुछ भी नहीं हो, तो फायदे के बारे में बात करते हैं। हर तरह के बड़े बिजनेस के साथ जुड़े हुए लोगों को, जिनके पास एक से ज्यादा एम्प्लॉय काम करते हैं, जिनके लिए एक एम्पायर रन करना होता है, उनका हर एक डिसीजन बहुत बड़ा फायदा या नुकसान कर सकता है, ऐसे लोगों को, जो डिसीजन मेकर लोग जो होते हैं, जैसे हम, मैं यहाँ पे वास्तु में बहुत सारी कंपनी बनाती हूँ, मुझे वो लोग लिस्ट ऑफ कंपनी भेजते हैं, इतने लॉयर्स रहेंगे, इतने अकाउंटेंट रहेंगे, वाइस प्रेसिडेंट यहाँ पे बैठेगा, कंपनी का CEO, कंपनी का CFO यहाँ पे बैठेगा। तो जो भी उस कंपनी के अंदर डिसीजन मेकिंग लोग हैं, जो डिसाइड करेंगे कि कंपनी का प्लस माइनस क्या हो सकता है, उनको अपनी ऑफिस व्यवस्था के अंदर, वहां पे नॉर्थ वेस्ट दिशा के अंदर जितना हो सके उतना गोल्ड की चीजें विजिबल ना हो, उस पोजीशन में रखनी है। बहुत ही सिंपल टिप्स है। गोल्ड यानी कि सोना होता है, सोने का रियल गोल्ड हो सकता है या रियल गोल्ड के बजाय आर्टिफिशियल बट गोल्ड गोल्ड फिनिश, इस तरह की चीजें भी हो सकती है। अपनी ऑफिस व्यवस्था में जो डिसीजन मेकिंग यानी कि फाइनल डिसीजन करने वाली अथॉरिटी वाले लोग हैं, उनकी ऑफिस व्यवस्था में नॉर्थ वेस्ट दिशा में सिर्फ और सिर्फ गोल्ड की चीजें रखनी है, और वो गोल्ड मेटल फॉर्मेट में हो सकता है, लेकिन गोल्ड मेटल के अलावा और किसी भी मेटल का प्रयोग नहीं करना है। और ये टिप्स सिर्फ मेन ऑफिस के लिए, सो आपको हर उनके क्यूबिकल में जाके, हर हेड ऑफिस के बाद ब्रांच ऑफिस में जाके नहीं करनी है। This is just for जो भी यहाँ से कंपनी का फाइनल डिसीजन होता हो, and included conference room, meeting room. Conference room ऐसी जगह होती है वास्तु में, कभी मौका मिलेगा तो हम उसमें डिटेल में बात करेंगे, जो बैठ के आजकल Zoom पे लोग फाइनलाइज करते हैं, डिसाइड करते हैं, सारे डिसीजन लेते हैं। तो कॉन्फ्रेंस रूम का इम्पोर्टेंट व्यक्ति के कभी कभी जब यूज होता है, उसके बाद भी वास्तु में उतना ही महत्व होता है जितना कंपनी CEO का होता है। तो जितनी चीज हम डिसीजन मेकिंग यानी कि फाइनल अथॉरिटी के लोगों के लिए डिसाइड करेंगे, वो सिमिलर फॉर्मूला हमें कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर भी अप्लाई करना है। जी जी दर्शकों, वास्तु लिविंग में वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का। पल्लवी जी ने इस सेगमेंट में तीन कैटेगरीज का ब्रेकडाउन दिया कि एक वो जिनका बिजनेस सालों से चल रहा है, उनके बारे में वेल्थ एंड वास्तु के बारे में बातचीत होगी, दूसरे वो जो बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं इस साल में, और तीसरा जो बिजनेस को करने में स्ट्रगल कर रहे हैं। पल्लवी जी, इस सेगमेंट में आपने वेस्ट और साउथ दिशा वालों के लिए बोला कि ये जो सजेशन आपने, जो टिप्स दिए, वो उनके लिए नहीं है। क्यों नहीं है ये मैं आपसे जानूंगा ब्रेक के उस पार, और बाकी दो जो कैटेगरीज हैं उन पर भी बातचीत होगी। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम बहुत जल्द हाजिर होंगे। पल्लवी जी, कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत। यहाँ एक बार पहले, इससे पहले कि आप दूसरी दो कैटेगरी के लोगों की और रुख करें, ये जानूं कि पहले जब आप बता रहे थे उन लोगों के बारे में जो पिछले कई सालों से लगातार बिजनेस करते चले आ रहे हैं, कहीं उनके बिजनेस में डिप ना हो या वो कैसे इसका, इस साल का ज्यादा लाभ उठा सकते हैं,
वहां पर आपने कहा था कि ये टिप्स जो है वेस्ट और साउथ दिशा वालों के लिए नहीं है, कोई खास वजह से आपने कहा था? 2022 के अनुसार वेस्ट यानी कि पश्चिम दिशा के अंदर रहने वाले लोग जो बिजनेस करते हैं, घर बने हुए हैं, उनको 2022 इतना ज्यादा फायदेमंद नहीं होगा। साथ में लास्ट एपिसोड में मैंने ये क्लियर कहा था कि ये साल आम आदमी के लिए ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन खास करके पॉलिटिकल वे से अगर आप देख सकते हो, बड़ी कंपनियां देख सकते हो, काफी बड़ी ऐसे जो सालों साल से हम जिसका नाम सुन रहे हैं, हो सकता है हमें कभी ये सुनने में कि ये कंपनी ने बैंकरप्सी फाइल कर दी, चैप्टर 11 फाइल कर दिया। तो बड़े पैमाने के साथ व्हाइट कॉलर बिजनेस के साथ जुड़े हुए लोग, वेल एस्टैब्लिश बिजनेस के साथ सालों साल से जिनकी नाम बनी हुई है, ऐसे लोगों को ये साल ज्यादा फायदेमंद नहीं हो पाए। आम आदमी के मुकाबले वेल एस्टैब्लिश लोगों के लिए वास्तु का ये साल जो है 2022 का, वो फायदेमंद नहीं है। और अगर आपकी प्रॉपर्टी वेस्ट और साउथ दिशा में बिलोंग करती है, तो मेरी इस प्रोग्राम के माध्यम से एक छोटी सी टिप्स देने का प्रयास है। जैसे आप हमेशा जानते हो, हर कोई जानता है कि वास्तु शास्त्र के अंदर व्यक्ति के अनुसार वो प्रॉपर्टी का होना, कौन सी साल में आपने प्रॉपर्टी परचेज की है, उसका ड्राइंग कैसा है, एक्सटीरियर उसके रोड के आसपास के लेवल कैसे हैं, बिल्डिंग की हाइट कितनी है, छोटी छोटी काफी बातें होती है। यहाँ पे हम समांतर स्तर पे कॉमन बात करते हैं। यहाँ पे किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, कंपनी का, कॉरपोरेशन की डिटेल नहीं है, लोगो नहीं है। तो कुछ ऐसी टिप्स देने का मैं प्रयास करी हूँ जिससे अगर कि मेरे को कैबिन पोजिशन या दिशा नहीं भी पता हो, लेकिन 2022 के हिसाब से कॉमन टिप्स करके उनको कोई नुकसान ना हो। अगर उन्होंने इसे नहीं भी रखा तो प्रॉब्लम ना हो। तो उस तरह की कॉमन टिप्स इस प्रोग्राम के माध्यम से देने का प्रयास करते हैं। इंडिविजुअल जब आप बात करते हो तो इसके अलावा बहुत सारी डिटेल आती है। अब जो प्रॉपर्टी 2022 में वेस्ट और साउथ की है, उनको जाने अनजाने में ये साल थोड़ा भारी पड़ सकता है, उनके लिए साल शुभदायी नहीं है, लाभदायी नहीं है। अब उस कंडीशन में कॉमन टिप्स को अप्लाई करना हो सकता है सही हो सकता है गलत हो, क्योंकि वो प्रॉपर्टी उसी दिशा को बिलोंग करती है। तो वहां पे 2022 के हिसाब से नेगेटिव एलिमेंट और नेगेटिविटी का जो इफेक्ट है वो ज्यादा रहने की संभावना ऑलरेडी है, क्योंकि 2022 का वास्तु अगर मेन एंट्रेंस से शुरू होता है, उसके बाद अंदर जाके, बिल्डिंग के अंदर जाके आप छोटे मोटे कितने भी प्रयास कर लो, वो आपको इतना सफल नहीं बनाएंगे। इसीलिए वो दिशाओं के वाले लोगों को, वेस्ट एंड साउथ दिशा वाले दिशाओं के लोगों को बहुत सारी चीजें अप्लाई करनी पड़ेगी। इतनी छोटी टिप्स उनके लिए लाभदायी नहीं हो सकती। प्लस जो गोल्ड वाली चीजें रखने के बारे में बात है, अगर आप स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करोगे तो वेस्ट फेसिंग प्रॉपर्टी होती है, उसमें जैसे ही आप कोई भी वेस्ट की प्रॉपर्टी में जाते हो, व्हेनेवर यू आर इनसाइड द प्रॉपर्टी और आपका चेहरा प्रॉपर्टी के बाहर होता है और सामने सूरज डूबता है यानी कि वेस्ट दिखता है, तो आपके राइट हैंड साइड में इमीडिएटली नॉर्थ वेस्ट आता है और उस दिशा में बिल्डिंग के स्ट्रक्चर को समझ के चीजों को रखना पड़ेगा। सिंपल बात यह है कि वेस्ट एंड साउथ वाले दिशा के लोगों को कोई भी छोटी सी टिप्स हेल्पफुल नहीं होने में, इसीलिए उनको इससे ज्यादा व्यक्तिगत इंडिविजुअल जानकारी की जरूरत है, तभी मैंने ये चीज को क्लैरिफाई किया था। जी जी, चलिए अब हम उन बाकी दो कैटेगरी के लोगों के बारे में भी बात कर लेते हैं जिनका बिजनेस जो है इस साल शुरुआत कर रहे हैं और वो जो ऑलरेडी स्ट्रगल ही कर रहे हैं, उनके लिए क्या सुझाव रहेगा? सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर आपने यहाँ वहां से पैसे लेके एक उम्मीद से एक नई शुरुआत की है, शुरुआत 2022 में की है, किसी भी बिजनेस में हुआ, लेकिन बिगिनिंग इस साल का हो, और जैसे मैंने पहले कहा, अगर वो शुरुआत आपकी वेस्ट या साउथ फेसिंग में हो, तो आपके स्ट्रगल तो अपने आप 2022 के हिसाब से बढ़ जाएंगे। आपको मायूस होने की जरूरत नहीं है। कई बार जब आप शुरुआत करते हो तो एक कॉमन मैन की मेंटालिटी होती है कि भैया शुरुआत में टाइम लगता है, अच्छा बिजनेस 3 या 5 साल के बाद सेट होता है। मैं ये कहूंगी कि 2022 में अगर वेस्ट और साउथ से शुरुआत की है, तो हो सकता है एक मोमेंट पे आके आपको बिजनेस बंद करना पड़े, लेकिन उसकी चिंता की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो बिजनेस अगर बंद होता है तो भी आप फेलियर नहीं हो। कभी भी जीवन में सक्सेस और फेलियर के लिए बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस काम करते हैं। एक आदमी की एफर्ट्स, किसी का सिर्फ आशीर्वाद, किसी का सिर्फ नेचर ऑफ बिजनेस में अपना एक्सपीरियंस, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपका एकेडमिक यानी कि एजुकेशन, जो भी आपकी एकेडमिक आपका करियर है, वो
उतना सिर्फ सक्सेस और फेलियर के लिए काफी नहीं होता है, बहुत सारी चीजें भी होती है, नेचर को भी उसके साथ जोड़ा जाता है। तो अगर किसी वजह से कोई बिजनेस की शुरुआत वेस्ट और साउथ से हुई हो तो उनको मायूस होने के बजाय एक हिम्मत से, शांति से ये सब सोच समझ के आगे निकालना है। अगर प्रोग्राम सुना है तो मैं ये नहीं कहूंगी कि बिजनेस मत करो, 100% करो, लेकिन इस साल धीरे जाइए, स्लो मोशन में जाइए और ज्यादा से ज्यादा कर्जा अपनी कैपेसिटी से बाहर जाके एक्सट्रीमली गलत डिसीजन या ओवर कॉन्फिडेंस से डिसीजन लेने से बंद करने की नौबत आ सकती है। जिनके बिजनेस स्टार्ट साउथ में नहीं है और किसी भी दशा में है और कोई भी तरह के नेचर ऑफ बिजनेस के साथ जुड़े हुए लोग हैं, उनको 2022 में तीन दिशाएं ब्लेसिंग का काम कर सकती है। वास्तु के हिसाब से वो आपको लाभ पहुंचा सकते हैं और वो 2022 के साथ नए बिजनेस की शुरुआत करने वाले लोगों को नॉर्थ ईस्ट, ईशान दिशा, आप चाहें तो लिख सकते हैं नॉर्थ उत्तर दिशा, ईस्ट पूर्व दिशा, और रिटेल बिजनेस के साथ जुड़े हो तो साउथ ईस्ट अग्नि कॉर्नर की दिशा। ये चार दिशा का जो कॉम्बिनेशन है, वहां पे आपने जो जो चीजें रखी हुई है वो आपको 2022 में अच्छी पोजीशन में लेकर आ सकता है, या अभी अभी बिगिनिंग हो लेकिन आपको फिर भी ऑक्सीजन मिलना, काम की अच्छी शुरुआत होना, पॉजिटिविटी की शुरुआत होना, उसमें लाभ दे सकता है। नॉर्थ ईस्ट में आपको कोशिश करनी है, जैसे हम वास्तु में कहते हैं कि जस्ट जितनी भी हो सके उतनी वाटर एलिमेंट की चीजों को रखना चाहिए, आर्टिफिशियल भी हो सकती है। नॉर्थ यानी कि उत्तर दिशा में जितना हो सके उतना व्हाइट एंड ब्लू कलर के फ्लावर्स को सेरामिक और क्ले के मटेरियल में रखकर रखना चाहिए। बहुत ही सिंपल टिप्स है, आसानी से कर सकते हो, लेकिन चारों दिशा में करनी है। पूर्व दिशा के अंदर आपको दो चीज रख सकते हो, गैलपिंग हॉर्सेस जो कि प्रोडक्ट रेमेडी के अंदर आता है, और दूसरी बात ईस्ट दिशा के अंदर सैंडलवुड की चीजें, अरोमा प्रोडक्ट, खुशबू वाली चीजें, इवन इंसेंस भी रख सकते हो, बहुत आसानी से लोगों के घरों में होती है, बिजनेस में होती है, व्हाटएवर यू लाइक इट। ये तमाम चीज एनीवेयर इन ईस्ट, एनीवेयर इन नॉर्थ, एनीवेयर इन नॉर्थ ईस्ट, लेकिन कंपास के अनुसार वो एग्जैक्टली नॉर्थ ईस्ट होना चाहिए। दिशा आपको जरा सी भी गड़बड़ी नहीं करनी है, दिशा एक्यूरेट होनी चाहिए। और जो आखिरी दिशा साउथ ईस्ट है, साउथ ईस्ट में आपको एक छोटा सा कांच का कटोरा लेना है, आपके बिल्डिंग की जो भी हाइट हो उसमें 8 फीट के लेवल पे जाके आपको वहां पे कार्नेलियन स्टोन रखना है और उसके आसपास रेड सेंटर कैंडल में एक गोल्डन कलर की प्लेट लेके उसमें आप छोटे छोटे रेड एंड गोल्डन मिक्स कलर के कलर्स के बने हुए पोर्ट्यूरी रख सकते हो, कलर के बने हुए क्रिस्टल रख सकते हो, उस कलर्स के बने हुए कोई भी मार्केट में जो आर्टिफिशियल डेकोरेशन आती है वो रख सकते हो। नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट पूर्व दिशा एंड साउथ ईस्ट, ये चारों दिशा में जो आपने रखा है वो कंपास के अनुसार वो दिशा के सेंटर में होना चाहिए। हर चीज एक हाइट पे होनी चाहिए, ग्राउंड पे कुछ नहीं रखना है। विजिबल होना जरूरी नहीं है, नहीं दिखाई दे वैसे वहां पे कोई क्लोजेट हो, अलमारी हो, शेल्फ हो, कहीं पे भी रख सकते हैं। छोटी सी टिप्स है, लेकिन वेल्थ को बचाने के लिए और सोने पे सुहागा, यानी कि शुरुआत कहीं से भी हो लेकिन फिर भी 2022 का पूरा लाभ उठाने के लिए ये चार दिशा का जिस तरह से कॉम्बिनेशन पूरे साल में घूमने वाला है, वेल्थ एनर्जी का जो फोर्स घूमने वाला है उसमें वो आपको लाभदेह हो सकता है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और क्योंकि आप टिप हमें लगातार कार्यक्रम की शुरुआत से ही बताते चले आ रहे हैं तो टिप्स के थोड़ा आगे बढ़ेंगे, कुछ आज के विषय पर आधारित कुछ सवाल हैं जहन में, उन पर बातचीत करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम बहुत जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक से पहले जब आप चार दिशाओं का जिक्र कर रहे थे और वेस्ट और साउथ दिशाओं वालों के बिजनेसेस के लिए ये साल इतना फायदेमंद नहीं है, चुनौतीपूर्ण हो सकता है, वो तमाम चीजें जब आप बता रहे थे, सवाल एक ये भी आ रहा था कि हो सकता है कि कई लोगों के मन में ऐसा हो कि भाई मेरे बिजनेस का एंट्रेंस डोर जो है वो वेस्ट से है, साउथ से है, लेकिन मैं जब बिजनेस के अपने ऑफिस में पहुंच जाता हूँ या स्टोर में पहुंच जाता हूँ मेरा फेस नॉर्थ में है, या मेरा फेस ईस्ट में है, या नॉर्थ ईस्ट में है, या साउथ ईस्ट में है। वो चार दिशाएं आपने लाभदायक बताई, तो क्या मैं वो मेरे लिए सही है?
दूसरा ये भी हो सकता है कि कोई बिजनेस किसी का ऐसा हो जहां पर उसके पास दो एंट्रेंसेस की ऑप्शन हो, हो सकता है कि वेस्ट की ऑप्शन भी है और वेस्ट के अतिरिक्त दूसरी डायरेक्शन की भी ऑप्शन है, या साउथ के साथ दूसरी डायरेक्शन की ऑप्शन है, तो क्या वो उन डायरेक्शंस को प्राथमिकता दे? मेरे ख्याल वो शायद उनके लिए एक विन-विन सिचुएशन हो सकती है, आप बेहतर गाइड कर सकते हैं। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, आपके साथ बात करते हुए मुझे मेरा अभी कुछ दिनों पहले का एक केस स्टडी याद आ रहा है। सियाटल के अंदर एक मैडम है, सिंगल मदर है और वो अपना ब्यूटी सलून चला रहे हैं। जहाँ पे जगह उन्होंने लीज की है उनके पैसे, रेंट के पैसे निकालना बहुत मुश्किल है, पर जो लैंडलॉर्ड है वो बहुत कोऑपरेटिव है और ये सिंगल मदर है सो ही इज मोर सपोर्टिव कि आप चिंता मत करो, क्योंकि लाइक जो भी अच्छे नेचर का बंदा है। तो अब उस कंडीशन में जो उनका सलून का पोजिशन है वो वेस्ट फेसिंग है, लेकिन फॉर्चुनेटली जैसे जैसे अभी आपने एग्जाम्पल दिया, उस सलोन के अंदर दो दरवाजे पड़ते हैं, उनका बैकडोर जो है वो ईस्ट में पड़ता है। ठीक है। तो जब से साल की शुरुआत हुई उससे पहले दिसंबर महीने से ही उनको बिजनेस में कंटिन्यूस प्रॉब्लम आते हैं। अकॉर्डिंग टू हर, जो उन्होंने मेरे को एक्सप्लेन किया कि अभी ऐसा है कि कंटिन्यू करें कि बंद करें समझ ही नहीं आता है, और ऐसी सिचुएशन 2022 के अनुसार नए बिजनेस वाले या ऑलरेडी बिजनेस में स्ट्रगल करने वाले लोगों को, काफी लोगों को दिखाई देगी। उसमें आपको मायूस नहीं होना है क्योंकि उसमें आपकी काबिलियत पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सही है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि सक्सेस और फेलियर के लिए काफी वजह होती है, तो वैसे 2022 की एक कैलकुलेशन, उसका वास्तु भी आपको कई बार उस साल के हिसाब से आपके प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर अप्स एंड डाउन करने में रिस्पॉन्सिबल वास्तु के हिसाब से माना जाता है। अब उनका क्वेश्चन ये है कि जब वो सिंगल मदर है, उनके पास इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चों की और वो ही अकेले घर में ब्रेड विनर है, तो आप समझ सकते हो कि कितना स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है। एंड सम रीजन उन्होंने कहीं से मुझे ढूंढा और उन्होंने मुझे कॉल किया। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि मैंने काफी लोगों को पूछा, सब बोलते हैं कि वेस्ट अच्छा नहीं है, वेस्ट ये नहीं, वेस्ट वो, तो आप बंद कर दो उसको। जब हमारे पास कंसल्टेशन आई तो मैंने कहा कि मैं अपने तरीके से एनालिसिस करूंगी, आपने गूगल में पढ़ा, आपने इंडिया में किसी को पूछा, आपको किसी एस्ट्रोलॉजर ने पूछा, ये सब बातें हमें नहीं पता चलती, हम अपने तरीके से देखते हैं। तो मैंने देखा कि वो प्रॉपर्टी जो है जब से मैडम ने शुरुआत की थी, वो शुरुआत उनकी अभी 2 साल पहले 2021 में थी, उस वक्त वेस्ट की पोजिशन अच्छी थी, तो उसकी शुरुआत अच्छी हो गई तो उनका एक उम्मीद बढ़ गई। अब एक ही साल पलट के 2022 की शुरुआत से पहले ऐसा लग रहा है कि बिजनेस पूरा ड्रेन हो रहा है, वो कंफ्यूज हो गए कि इसको रखे कि ना रखे। तो मैंने कहा आप चिंता ना करें, आप ये बिजनेस को चलाएं, आपको खाली एक सिंपल टिप सप्लाई करनी है, यहाँ से बदल के कहीं नहीं जाना है, क्योंकि जब आप बड़ी मेहनत से एक सलून बनाते हो, आपने सारा स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है, एक साल में पैसे आपके रिटर्न नहीं आ सकते, हर एक को पता है, कोई भी बिजनेस हो, नेचर ऑफ बिजनेस हो। तो मैंने कहा आप एक काम करो, कस्टमर सारे लोगों को वैसे आने जाने दो, जो चलता है वैसा चलने दो, पीछे आपके पास दरवाजा पड़ा है, आप ईस्ट से आना जाना शुरू कर दो, ये सिर्फ एक साल के लिए, एक साल चला जाएगा, एवरीथिंग सब कुछ वापस नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा, स्मूथ हो जाएगा, और साथ ही मैं आपके सलून के लिए थोड़ी बहुत वास्तु के टिप्स और रेमेडी भी अप्लाई कर देती हूँ, और ऐसा करके सिर्फ 90-120 डेज देखो, सब कुछ सही है तो बिल्कुल डिस्टर्ब होने की, बौखलाने की जरूरत नहीं है, आराम से आप देखो अपना बिजनेस वापस जितना था पटरी पे आ जाएगा। ये कंसल्टेशन की शुरुआत अभी कुछ टाइम पहले ही हुई है, तो मैं ये नहीं कहूंगी कि उनका काम हो चुका है, स्टिल नाउ एवरीथिंग इन प्रोसेस, लेकिन ये एग्जाम्पल केस स्टडी में इसलिए बताना चाहती हूँ कि जैसे मैंने पहले ही कहा था कि हर बिजनेस, हर घर, हर साल के अनुसार इफेक्ट के हिसाब से बदलता रहता है, अप्स एंड डाउन होता है, कई बार किसी साल में जाके कोई नुकसान हो जाता है तो बहुत जल्दी डिप्रेस होने की जरूरत नहीं है, जो रास्ता ढूंढता है उसको उसका इलाज मिलता है, जिसको हर तरह से सक्सेसफुल होना है वो होके ही रहता है। दर्शकों, वास्तु लिविंग के आज के एपिसोड में इतना ही। यदि आज के विषय से संबंधित आपके मन में कोई सवाल हो, सुझाव हो, आप चाहते हो कि हम पल्लवी जी से अन्य किसी विषय पर बातचीत करें, तो आप हमें लिख सकते हैं vastu@tvasiausa.com पर, और पल्लवी जी से सीधा संपर्क करने का सरल आसान तरीका है pallavichhilawada.com। पल्लवी जी, अगले अंक तक के लिए आइए, दर्शकों से मिलकर के आज्ञा लेते हैं, विश यू ऑल हैप्पी वास्तु लिविंग।